रीवा के कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई के नाम पर इन दिनों खानापूर्ति हो रही है। यही वजह है कि पीड़ित अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनके शिकायत पत्रों पर पावती के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। पीड़ित तहसील कार्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनके आवेदनों पर निराकरण नहीं हो रहा। जनसुनवाई की तारीख बता दी जाती है। बता दें कि इस क्रम में ताज़ा मामला त्योथर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मजगवा के ग्राम पुरवा से सामने आया, जहां पर ग्रामवासियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जनसुनवाई में एक शिकायत पत्र दिया। ग्रामीणों ने बताया कि 15 एकड़ के तालाब पर रंगों ने अवैध अतिक्रमण कर लिया है। कई सालों से इसकी शिकायत की, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। आज भी हमने नवागत कलेक्टर से शिकायत की है, कार्रवाई का भरोसा मिला है, लेकिन अल्टीमेटम देते हुए कहा गया कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने कहा कि हम तालाब पर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे। यह अतिक्रमण पिछले 8 सालों से किया गया है। इसी तरह से दूसरी शिकायत रामलाल श्रीवास्तव की है। कई सालों से अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। इनकी शिकायत है कि इनकी ज़मीन पर कुछ सरहंगों ने कब्जा किया। इनकी ज़मीन पर सीमांकन और नक्शे को लेकर कई दिनों से परेशान हैं। तहसीलदार पर रिश्वत लेने का आरोप सामने आया। तीसरी शिकायत मुख्यालय से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर त्योथिर तहसील के ग्राम कोनी से आई। एक महिला ने अपने गांव तक पहुंच मार्ग न होने का आवेदन दिया। महिला का आरोप है कि हमने कई बार सड़क न होने की शिकायत अधिकारियों को दी है, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई। मामले को लेकर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि शिकायत पत्र मिले हैं, तालाब पर अतिक्रमण होने की भी शिकायत मिली है और एक बुजुर्ग का सीमांकन न होने का आवेदन भी मिला। दोनों की जांच रिपोर्ट लगाई है, सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। हाँ, कलेक्टर साहब को दिया है। परेशानी ये है कि 2021 से और आज तक हमारा कोई काम नहीं हुआ। हम सीमांकन, नक्शा तरमीम और नामांतरण आदि के लिए कई दफ़े यहाँ अर्जी लगाया। वहाँ तहसीलदार आर पी त्रिपाठी जो थे, अब कलेक्टर बन के चले गए हैं। इतना भ्रष्ट कलेक्टर मैंने कभी नहीं देखा। वो 50,000 रुपये हमसे लिया और हमारी जमीन जो है दूसरे के नाम लिख दिया था। ये हमारे ग्राम पंचायत पुरवा में तालाब में अतिक्रमण कर लिया गया है और जो कि अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है। अतिक्रमण भैया 8-10 सालों से है। ये कौन लोग हैं जो अतिक्रमण किए? ये कुछ गांव के ही लोग हैं जिनके पास पट्टे की भूमि भी है और कुछ बाहरी लोग भी हैं, सरहंग भी हैं उसमें, और हर वर्ग के लोग हैं जो कि पट्टा किए हुए जबरदस्ती गांव में जो तालाब में। शिकायत हमने इसको पटवारी से लेके कलेक्टर महोदय तक किया और 2019 से लेके लगातार हम यहाँ पे कलेक्टर महोदय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी निराकरण नहीं निकला है। पहले जो SDM थे बरार साहब, उन्होंने निरीक्षण किया था मौके का। फिर संजीव पांडे थे जो कि भी मौके पे यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर है, वो भी निरीक्षण कर चुके थे। फिर PK पांडे जी आए, सबको हमने दिया, सबने निरीक्षण किया, लेकिन आज दिनांक तक कोई भी उसमें सुनवाई, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरे घर आने जाने का मार्ग नहीं है, बहुत प्रताड़ित हो चुकी हूँ, मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है। आए दिन वहाँ पे खेत खन देते हैं, पानी लाइट वाला तार वगैरह कर देंगे, बच्चे स्कूल नहीं आ जा पा रहे हैं, इतना परेशान कर रखे हैं। कोई बीमार हो जाए, कोई नहीं, तो हमारे घर आने जाने का कोई साधन नहीं है, जबकि आधी हमारी ही ज़मीन है, आधे रास्ते में ही उनकी ज़मीन है, और फिर भी नहीं दे रहे हैं। पहली बार भी मैं यहाँ आई, 5 साल से आ रही हूँ, कलेक्टर साहब बोले कि हो जाएगा आपका, फिर भी ना तहसीलदार सुने ना PSDM सुने, कोई नहीं आया। इस बार भी कलेक्टर साहब यही बोले हैं। त्योथर के तालाब का एक विषय हम लोगों के संज्ञान में आया है, न सिर्फ त्योथर बल्कि अन्य कहीं भी जगह ऐसे हैं, चाहे वो शासकीय तालाब हो या प्राइवेट तालाब भी हैं, उन पर ये निर्देश है जो भी निस्तार की जमीनें होती है उन पर किसी भी प्राइवेट व्यक्ति का कब्जा नहीं होता है। तो ये ऐसी अगर कहीं और भी स्थितियाँ बनेंगी वो भी हम लोग क्लियर कराएंगे। तालाब और इस तरीके के अन्य कोई भी वाटर बॉडीज है वो बिल्कुल क्लियर रहेंगी, ताकि बारिश के समय में ना सिर्फ हमने पानी भरा है बल्कि वो वाटर रिचार्ज का भी काम करता है। हम एक बुजुर्ग आया था आवेदन लेकर, शिकायत था कि अब अधिकारी पैसा मांग रहे हैं और वो नामांतरण और सीमांकन के लिए कई वर्षों से परेशान है। एक प्रकरण राजस्व का हम लोगों के सामने आया है, तहसीलदार के यहाँ से SDM के यहाँ से इसकी रिपोर्ट भी मंगाई गई, क्या कारण है कि उनका प्रकरण पेंडिंग है और इसमें सीमांकन होने में क्यों तकलीफ आ रही है। जैसे हम लोगों को रिपोर्ट प्राप्त होगी एक दो दिन में उसमें कार्रवाई। नवागत हैं आप रीवा के लिए, ज्यादातर शिकायतों में यही सुनने को मिला है कि सुनवाई नहीं हो रही। जो शिकायतें हैं मेनली वो राजस्व के विषयों को लेकर के हैं। राजस्व के विषय कई बार उनमें कई तरीके की चीजें होती हैं। हम लोग जब जन सुनवाई या करने कई अन्य जगह बैठते हैं, एक पक्ष का सुनते हैं। राजस्व में कई सारे निर्णय राजस्व न्यायालय के माध्यम से होते हैं,
और कई बार हम लोगों को या तो ज्ञान नहीं होता या हम लोगों की पहुंच नहीं पाते हैं, इस वजह से होता है। इसीलिए हम लोग राजस्व न्यायालय हमारे सही तरीके से काम करें, उनमें जो केसेस दर्ज हो रहे हैं प्राथमिकता से निपटें, जो केसेस डिसाइड हो गए हैं उनके अभिलेखों में दुरुस्ती टाइमली हो, तो ये हम लोगों का दायित्व रहेगा कि हमारे राजस्व न्यायालय जितने फ्लॉलेस तरीके से काम करेंगे इस तरीके से आने वाली शिकायतें उनकी कम हो जाएंगी। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।